डेकोरेशन विद नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरे इन फूलों के साथ बहुत बहुत हैप्पी होंगे। प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरा सहयोग देते रहें। अब रेनी सीजन शुरू हो गया है और अब आज हम इनके जैसे रेनी सीजन में फ्लावर्स कौन कौन से कटिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, जैसे ये हेमेलिया का प्लांट है, इसकी जस्ट कटिंग से ही हो जाता है। हाँ, किसी जैसे मैंने अब लास्ट वीडियो में बताई थी अपनी कि सिंपल सी कट करके किसी भी अगर पॉट है तो पॉट के पीछे शेडी एरिया में लगा दीजिए। जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं, ये देखिए, जैसे ये आगे की तरफ गेंदा और पीछे ये अपने आप छोटा सा मैंने इससे लगा दिया था। बालसम भी कटिंग से हो जाता है। ये देखिए, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप ये मैरीगोल्ड से लेके ये बालसम और ये तो इंडोर प्लांट है ही सारे। इंडोर प्लांट भी कटिंग से आराम से हो जाता है। हॉर्टुला का भी अभी जैसे रेन आई हुई है तो सन के सूरज के आने पे ही देखते सारे फ्लावर खिल के आते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हॉर्टुला का फिर हो गया मैरीगोल्ड और ये आ गया हमारा बालसम। ये है मैलिया इसका, ये देखिए, ये तो मतलब जस्ट बिल्कुल सिंपल कटिंग से ही हो जाता है। ये मधुमालती है, अभी इसकी फ्लावरिंग होएगी जस्ट अभी, मतलब जो हमारे बड़े गार्डन में लगा हो उसकी कटिंग से ही हम लेके आए हैं। और इनका तो हमारा सिंपल हो ही जाता है। और ये देखिए फिर हमारा आ गया है ये बालसम। और इसी प्रकार ये हमारे देश से हाइब्रिड चांदनी है। हाइब्रिड चांदनी की भी जस्ट कटिंग अगर नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं, क्यारी में लगा रहे हैं तो मतलब नीचे की तरफ बहुत अच्छी तरह ये इसको सेमी शेड एरिया मिल जाता है, तो इसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये रशियन लिली की भी कटिंग हो जाती है। मतलब सारे जो रेनी सीजन के फ्लावर्स हैं सब की कटिंग रेनी सीजन में तो मतलब लगता है इनका प्लांट्स का बहुत ही अच्छा वो होता है। मतलब सीजन में इनको सबसे अच्छा मौसम लगता है। ये देखिए, गुलाब की भी वैसे तो फैब में बहुत ज़्यादा होती है और इसमें रेनी सीजन में भी हो जाती है, पर थोड़ा सेमी शेड एरिया में करी है जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। ये देखो, मैंने नीचे लगाई हुई है इसके, ये देखो अभी बारिश आई हुई है थोड़ा सा, ये देखो नीचे। अब ये हमारे हिबिस्कस तो आराम से ही मतलब ये आएगा इसका, हिबिस्कस का। और ये क्या है हमारे बोगनवेलिया का, ये आ गया हमारा रोज़। मतलब कितने भी प्लांट आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए अब आ गया, देखिए इस पर भी हमारी। और ये तो हमने मतलब क्यारी वाले डिस्कस किए हैं। ये देखिए, ये मैंने कल जैसे फुल वीडियो बनाई थी मधुकामिनी पे, ये देखिए मुरैया पे इसकी भी ये तो बहुत ही मतलब फैल रहा है इधर। और इसमें पॉट में थोड़ा जल्दी आते हैं फ्लावर, पर इसमें भी आते हैं, पर बहुत ज़्यादा आएंगे क्यारी में ना। और ये देखिए अभी इधर से ये गुलाब आ गए हैं और ये हमारा वही आ गया हिमिलिया का प्लांट। और अब हम ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे वो तो हमारा ही हिमिलिया का प्लांट है ज़मीन में लगाया हुआ है हमने। और ये देखिए, ये हमने इसमें अपने पॉट में लगाया हुआ है। सिंपल जस्ट इसकी कटिंग से ही मतलब हो जाती है इसकी। देखिए, एक छोटी सी कटिंग से ही दूसरा प्लांट बन जाता है। ये विस्कस के प्लांट जस्ट मतलब खिल खिल के आए हुए हैं। और ये हमारा 4 o'clock तो है ही सारा। ये देखिए 4 o'clock, ये इसका एक बीज गिरने से, ये तो खैर अपने आप ही बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। और ये हमारा आ गया है सदाबहार, ये भी बहुत ही उसका, और मेरे पास इसकी भी 2-3 वैरायटी हैं बालसम की। हर साल मतलब अपने आप ही अब इनके एक जैसे सीड बनेंगे और बारिश में तो इनके तो काफ़ी प्लांट्स हो जाएंगे। देखिए नीचे की तरफ उधर, इसीलिए आप भी जैसे कल वाली वीडियो में बताया हुआ है आप भी ग्रो करें। ये जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो गया हमारा, ये टोमेटो हो गया। ये देखिए अब देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट टोमेटो है। और ये हमारा ये इधर आ गया और नीचे फिर बालसम आ गई है हमारी। और ये हमारा ये जैस्मिन का प्लांट आ गया है। मतलब सारे आपको कहीं जैसे पार्क में घूमने जाते हैं
वहाँ से भी कटिंग लाते हैं। जैसे मैं अभी अपनी सिस्टर के घर गई थी, काफ़ी प्लांट्स की कटिंग लेके आई हूँ। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ, जैसे हमारा इसका है बालसम का प्लांट है, तो इसके जस्ट बीज गिर के इसके बेबी भी हुए। मैंने कुछ नहीं मतलब किया है। कई बार कहते हैं ना, ज़्यादा अगर ठीक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए इसके बेबी प्लांट कितने मस्त खुल के आए हुए इधर भी है। बालसम फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रोइंग है और इसके फ्लावर्स भी कितने सुंदर लगते हैं। हाँ, इसकी जस्ट कटिंग भी लग जाती है, पर इसको आप एक बार ले आओगे, चलो है नहीं आपके पास, नर्सरी से ले आओगे, फिर उसके बाद हर साल आपको मतलब ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी हर क्यारी में ये मतलब ये बालसम तो भरा पड़ा, ये तो मतलब है ही रेनी सीजन का सबसे मतलब स्पेशल जो फ्लावर है, ये रेनी सीजन का ही फ्लावर है। और इसका बाकी तो हमारे पास जैसे मैरीगोल्ड की कटिंग भी लगनी शुरू हो जाएगी, और आपके पास अगर गुलदावरी बची हुई है तो गुलदावरी भी लग जाती है। और ये चार दिन है, मैं इसको हल्का सा बताती हूँ इसके बारे में। जैसे ये मिनी चांदनी क्या है, जैसे अब जैसे दो तीन दिन अगर आपकी लगातार भी बारिश हो जाती है ना, तो जस्ट आपको ये लेनी है। इसमें कोई ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करती हूँ, कई बार अगर ये रेनी सीजन में तो जस्ट ही, क्योंकि शेमी शेड एरिया मिल गया। देखो इसको, ये नीचे है और इसका यहाँ ये हो गया शेमी शेड एरिया, अपने आप ही बन गया। इसको धूप नहीं लगेगी, और ये अगर तीन चार दिन आपकी बारिश लग जाती है तो ऑलरेडी ये अपने आप ही ग्रो कर जाएगी। इसको कोई ट्रिम भी करने की, रेनी सीजन में तो ट्रिम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जैसे इस टाइप से हम 10-12 कटिंग लगाएंगे तो मोस्टली कई बार तो सारी हो जाती है, रेन पे डिपेंड करता है। और ये देखिए, ये इनके बीच में ही लगा दिया ना मैंने, ये देखिए मेरी गोल्ड के बीच में, इसीलिए इसको भी ज़्यादा मतलब वो एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगे। ये देखिए, ये आप जैसे मैंने कल दिखाया था उसमें सिर्फ पॉट में ही कहा था आपको, मतलब पॉट में लगाओ ऐसे ही, मतलब शेड होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये नए प्लांट है, नई रूटिंग पकड़ेंगे। अगर बारिश होगी तो ये कम से कम 3-4 ये इसमें अपने आप ही चले जाएंगे, इतनी बहुत जल्दी। ये देखिए अब हर एक प्लांट का यही है, मेरी गोल्ड का भी यही है। जैसे यहाँ से कटिंग लेंगे इसको, तो खैर थोड़ा सा पॉट में लगाओगे तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। और ये भी हमारा ही हिबिस्कस भी, मतलब आज को रेनी सीजन में तो आप कोई भी वो ले सकते हैं, अपना ये फ्लावर्स ले सकते हैं। और इसके जैसे पॉट में कैसे लगाना है वो जैसे मैंने कल बताया था, सिंपल वे में रेनी सीजन में। हाँ, थोड़ा सा ये इसको एलोवेरा में डिप कर लेगा, वो भी मैंने बताया हुआ है। ये देखिए एलोवेरा में जैसे डिप करके सिनेमन में, वो भी मैंने कटिंग्स दिखाई हुई है। तो जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट प्लांट के लिए ठीक है, और रेनी सीजन में तो जस्ट यही है। अब बालसम का ही देख लीजिए, जैसे इस प्रकार से आप भी लगाएं और अपने इस गार्डन को ब्यूटीफुल बनाएं। ये पूरा व्यू दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये लगाए काफी अच्छे हो रखे हैं। देखिए वही मैं कहती हूँ, इनका फर्टिलाइजर वही किचन वेस्ट है। और यहाँ पे हमारे डेंटिस भी बढ़ गया, ये देखिए ये मैंने एक्स्ट्राज लगाए हुए हैं। आप भी ऐसे मतलब आगे की तरफ बढ़े, ये करी लीव्स है, ये देखिए। और ये हमारा नींबू भी अच्छा चल रहा है, ये देखिए नींबू आए हुए हैं इसमें। अरे कॉलियस के भी मैंने बताई है, जस्ट कटिंग ही लगती है, इनके मदर प्लांट और बेबी प्लांट है। और ये बालसम देखिए, मतलब बालसम तो जस्ट कटिंग से, यहाँ थोड़ा शेमी क्योंकि पोट में लगाई है ना मैंने, तो ये शेमी शेड एरिया में लगाई हुई है। और ये हमारी वो तो आई हुई है, ये देखिए पटोनिया तो है, ये मतलब बिल्कुल वो है फेवरेट हमारी। और ये हमारे रोज़ भी आप इसमें भी लगा सकते हैं,
रोज की भी कटिंग लग जाती है। इसी प्रकार आप लगाएं और फूलों के साथ मस्त रहें। प्लीज व्यूज तो बहुत आते हैं और आप प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और रेनी सीजन का मजा लेते रहें। थैंक यू।